भाई चुप रहे भाई, मीठा खाने पे मुझे और ज्यादा तीखी लगता है भाई। मीट 10 होल चिकन ये मेरे घर पे बनाया, ये मेरे पिताजी ने बनाया, ये माता जी ने। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ हिमांशु बिस्ट, एके फूडी बिस्ट। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो चलिए आज के मकबैंक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर ये ब्रेड रोल और ये आलू वाले सैंडविचेस और ये सैलड, और यहाँ पे मेरे पास एक सॉस भी है जो आपको दिख नहीं रहा है, अभी दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाते हैं ये ब्रेड रोल। चलो भाई क्या सही लग रहा है। एक ट्राई कर लेते हैं ये सैंडविच, जो कि आलू वाला सैंडविच है। यार टेस्टी तो काफी है यार। यार बात कुछ ऐसी है कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे वैसे भी इस समय वायरल फीवर ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, मुझे जुकाम बुखार बहुत ही तगड़ा वाला हो रखा है। आज मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट करते हैं। अच्छा तो आज मैं शूट कर रहा हूँ। एक भाई है हमारे नितिन पांडे, उन्होंने बोला है भाई मीट 10 होल चिकन। ओह शिट, नो, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। भाई दिमाग खराब हो जाएगा भाई, इंसान हूं मैं भी, 10 चिकन वो भी होल। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें नो तकलीफ। सेकंड क्वेश्चन है फूडी मिलेगा, जो कि बोल रहे प्लीज डू साउथ इंडियन क्विजीन मकबैंक प्लीज। ओके जल्दी करते हैं। और एक हैं, अब ये देवी जी हैं कि सज्जन जी है पता नहीं, इनका नाम है FARR। तो उन्होंने बोला आई जस्ट लव योर इंटरेक्टिव, यू आर लाइक, यू टेल अस अबाउट द वेदर, फूड एंड मेनी मोर थिंग्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट योर पर्सनालिटी। बाय द वे व्हाट्स योर ज़ोडियाक, बाय द वे माय ज़ोडियाक साइन इज कैंसर। कहते हैं कि अब इसके अंदर आलू भरा हुआ है, ये देखो। तो ये मेरे घर पे बनाया, ये मेरे पिताजी ने बनाया, ये माता जी ने, तो वो बहुत टेस्टी रहा है। अमेजिंग। भाई मैं जिस एरिया में हूँ, असल में उन्नाव में, लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है ये। यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है भाई, एक तो बारिश का मौसम है भाई, इतनी गर्मी है कि ढंग से मकबैंग भी शूट नहीं हो पाता है। भाई
बीच बीच में टोमेटो के साथ भाई जो लग रहा है ना ये बहुत तगड़ा। यहाँ पे मैं चिली सॉस रखना भूल गया, उसके साथ खाते में मज़ा आ जाता है यार और ज़्यादा। यार ये सैंडविच काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही शानदार। मज़ा आ गया यार आज। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है कि जब भी कुछ तीखा खा लो उसके बाद मीठा खाने पे मुझे और ज़्यादा तीखी लगती है वो चीज़, पता नहीं क्यों। चुप रहे भाई। ए मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है, खाना चाहूँ तो मैं इसे अभी भी खा सकता हूँ, लेकिन खाने को ज़बरदस्ती खाया जाए, उसका टेस्ट ना लगे मुझे अच्छे से, मैं उसको इन्जॉय कर ना पाऊँ तो क्या फ़ायदा यार उसका, है ना। तो फिर जब भी मुझे बाद में भूख लगेगी मैं इसे बाद में खा लूँगा। आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मकबैंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मकबैंग वीडियो के साथ।